नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इतने कमल के वीडियो में। तो आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें असली सोने की कान ही है। मूवी का नाम है थांगलान, जो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म एक सेन एडवेंचर है, इसलिए इंजॉय करने के लिए एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमको 1850 में दिखाया जाता है, जहां पर क्लाइमेट नाम का अंग्रेज अधिकारी अपने गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इस अधिकारी को कहीं से खबर मिलती है कि बैपुर बलेज में सोना मिलता है, जो कि लोगों को काफी साल फैले मिला था और अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्लाइमेट से भागा एक जमींदार कहता है कि वहाँ पर भूतों की जगह है, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है और जो भी गलती से वहाँ पर जाता है वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता। फिर हम बैपुर बलेज के कुछ कबीले वालों को देखते हैं। ये लोग खुद की जमीन पर जमींदारों के लिए काम करते हैं। पहले जमींदारों ने इनकी जमीन को कम पैसों में ही खरीद लिया, इसलिए इनको खुद की जमीन पर जमींदारों के लिए काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं इस मूवी के लीड एक्टर यानी थंगलंग को, जो अपनी बच्चों के साथ में सोया हुआ होता है। अभी उसकी वाइफ गंग अम्मा बहा आती है और उसे एक लात मारती है कि ये देखो कितनी देर तक सोया हुआ है, जमीन पर काम करने के लिए नहीं जाना क्या। धंगलन जिस जमीन पर काम करता है वो उसकी खुद की होती है, वो अपनी जमीन में काम करता है और फसल उगाता है। साथ ये उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है अशोका। ये सभी एक दूसरे के साथ बड़ी हंसी खुशी से रहते हैं और गंगुमा के साथ में वो सब करने ही वाला होता है। तभी उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कहानी सुनाओ। तब धंगलन अपने बच्चों को अपने परदादा की कहानी सुनाने लगता है। वो अपने बच्चों को कहानी सुनाता हुआ कहता है कि हमारी जगह से कोशो दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे एक तालाब है, जहां पर मेरे परदादा और उसके कबीले वाले रहा करते थे और वो उस तालाब में से चांग कर सोना निकालते थे और सबसे ज्यादा सोना मेरे दादाजी को ही मिलता था। अगर तुमको सोना चाहिए तो खुद ढूंढ लो। राजा अपने सैनिकों को वहां पर सोना ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तब एक ब्राह्मण राजा से आके कहता है कि मैंने एक सोने का पहाड़ देखा है, और वहां थांगलंग कहता है कि वो सोना हमारा नहीं है, जो सोना पानी में हम सिर्फ उसी को ही ले सकते हैं। लेकिन राजा कुछ भी नहीं सुनता और अपने सैनिकों को उस पाल पर भेजता है। ये सैनिक जैसे ही वहां पर जाते हैं तो इन पर बहुत सारे साफ हमला कर देते हैं। उन साफों से काफी सैनिक मारे जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तभी एक साफ राजा को मारने वाला होता है, तभी थांगलंग पकड़कर उसे फेंक देता है और वहां पर कुछ बिछला पदार्थ फैला था जिसे पूरे साफ वहां से चले जाते हैं। थांगलंग का परदादा कहता है कि ये साफ इस सोने की रक्षा करते हैं, यहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं और मारे जाते हैं। इस सब के पीछे आरती नाम के एक तांत्रिक है, ये सब उसी का ही किया दराए। वो इस जमीन की रानी होने के साथ अपने माया जाल से यहाँ के इबादत करती है। राजा कहता है कि मुझे सोना चाहिए, तुम्हें इसके बदले जो चाहिए वो मिलेगा। तो मेरे परदादा कहता है कि ठीक है, मैं वो सोना किसी तरह लेकर आऊंगा, बदले में तुमको हमारी सारी जमीन को लौटाना पड़ेगा और हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं है। इस बात पर राजा राजी हो जाता है और कहता है कि जाओ और सोना लेकर आऊंगा। थंगलन और कुछ राजा की लोग सोना लेने के लिए उस पारर की तरफ जाते हैं, तो आरती इनके दिमाग में चलावा करने लगती है, लेकिन इन किसी तरह वहां से सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद आरती और उसके लोग वहां पर आ जाते हैं तो इन सभी के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे और आखिर में उनके लोगों को मारने के बाद आरती को बंदी बना लेते हैं और थंगलन वहां से कुछ सोना ले जाकर राजा को देता है। लेकिन जैसे ही राजा वो सोना अपने हाथ में लेता है तो वो मिट्टी बन जाती है। ये सब आरती का बिछाया हुआ ही माया जाल होता है। तभी तुम्हारे परदादा को गुस्सा आता है और बुद्ध की एक मूर्ति का सिर गिरा देता है। ये देखकर आरती गुस्से में बहुत ही जोर से चीखने लगती है। वहां पे सभी लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन तुम्हारे परदादा गुस्से में आरती का पेट को चीर देते हैं। उससे बहुत सारा खून निकलता है और उस खून से ही वहां पर सोना पैदा होता है। आरती तो मारी गई थी, लेकिन लोगों को वहां पर बहुत सारा सोना मिला। आज हमारे पास इतनी जमीन है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर थंगलन अपने परिवार के साथ में सो रहा था। उसी रात इनकी फसल को कोई आग लगा देता है। ये लोग आग को कभी बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था और सारी फसल जल जाती है। सुबह होने पर वहां का जमींदार आता है और फसल काटने के लिए टैक्स वसूल करने लगता है, लेकिन थंगलंग के पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उसकी सारी जमीन को जब्त कर लेता है और अब थंगलंग को भी जमींदार की जमीन में काम करना पड़ता है। तभी गांव में अंग्रेज अधिकारी क्लाइमेट आता है। वो यहां के सभी लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सोना ढूंढने में मदद करो।
मैंने सुना है कि तुम्हारे पूर्वजों को वहां पे सोना मिला, लेकिन गांव वाले सोने की बात सुनकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थंगलन वहीं पर रुका रहता है क्योंकि उसके परदादा नहीं सोना ढूंढना था। वो सोचता है कि मैं भी अपने परदादा की तरह सोना ढूंढ सकता हूँ। क्लाइमेट उनको मजदूरी देने के लिए भी तैयार हो गया था। शाम होते ही थंगलन के पास गंगम्मा आती है और कहती है कि ये सोने का रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन थंगलन कहता है कि इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे खेती हमें वापस मिल जाएगी, इसलिए मुझे वहां पर सोना ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके बाद मैं गंगम्मा भी उसकी बात पर मान जाती है। अगले दिन थंगलन अपने गांव के लोगों को राजी कर लेता है और ये सभी तैयार होकर क्लाइमेट के साथ जाने लगते हैं। थंगलन अपने बेटे अशोका को भी लेके जाता है और क्लाइमेट अपने बेटे विलियम को भी रास्ते में आगे बढ़ने के बाद में इनको एक नदी दिखाई देती है। ये सभी एक दूसरे के साथ उस नदी को पार करने लगते हैं। जैसे ये पाने में जा रहे होते हैं तो थंगलन को आरती के विजुअल आना शुरू हो जाते हैं। उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता। थंगलन काफी गफरा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ली के वजह से सारे लोग पाने में गिर जाते हैं और साथ ही उनके एक्यूमेंट भी पाने में बह जाते हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ करके नदी के पार पहुंचते हैं। क्लाइमेट को थंगलन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि ये कैसा रास्ता है, इसकी वजह से हम सब मारे न जाए, लेकिन क्लाइमेट के पास थंगलन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थंगलन कहता है कि हमें चलते रहना होगा, हमें रुकना नहीं चाहिए, और फिर से ये सभी सोना की खोज करना शुरू कर देते हैं। ये लोग नदी, जमीन, सब जगह सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको सोना नहीं मिलता। थंगलन कहता है कि उस पहाड़ी के पार हमें सोना मिलेगा। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक से थंगलन को बुद्ध की मूर्ति का सिर मिलता है। थंगलन उसे क्लाइमेट को दिखाता है और कहता है कि ये सिर मेरे पूर्व जो नहीं काटा था, इसलिए यहीं कहीं पर सोना होगा और वो हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें ढूंढते रहना चाहिए। जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो इनके सामने एक प्लेग फैंथर आ जाता है। ये सभी उस खुखार फैंथर को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। प्लेग फैंथर तुरंत उन पर हमला करता है और कुछ लोगों को वायल कर देता है। थंगलन अपनी भावधुरी दिखाता हुआ उस फैंथर के साथ में लड़ने लगता है। काफी देर फाइट करने के बाद में थंगलन उस फैंथर को बाद गिराता है। क्लाइमेट के साथ ही उसे कहते हैं, ये हमें जाने कैसे रास्ते ऊपर ले जा रहा है। थंगलन कहता है कि हमें सोना पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्लाइमेट के साथ ही आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो थंगलन के बाद गन तान देता है। थंगलन का बेटा आर्थर पे भी गन लगा देता है। इसी बीच आर्थर की गोली क्लाइमेट के बेटे विलियम को जाके लगती है। आत में लगने के वजह से वो बच जाता है। क्लाइमेट कहता है कि ये सब पागलपंती करना बंद करो। ये सब होता हुआ आरती और उसके लोग पहाड़ी से देख रहे होते हैं। अशोका के आगे जाने पर उसे कुछ थोड़ा सा सोना मिलता है। वो अपने थंगलन पिता को बताता है और इसी टाइम पर वहां पर चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है। आरती अपने सभी लोगों को इनको मारने के लिए बेचती है। जैसे ही थंगलन के लोगों को पता चलता है कि हम पर हमला हो रहा है तो वो क्लाइमेट के साथ इन सभी आदमियों पर हमला करने लगते हैं। इसी फाइटिंग में थंगलन भी हमला करने लगता है, लेकिन आरती उसे कुछ विजुअल दिखाने लगती है। उसे ऐसा फील होता है कि आरती जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि थंगलन की बॉडी में उसके परदादा की आत्मा घुस जाती है। तब थंगलन आरती के लोगों के साथ आरती से बड़ी टक्कर लेता है। थंगलन के डटकर सामना करने के बाद आरती ही घायल हो जाती है। ये सब देख कर आरती अपने लोगों को वहां से लेकर चली जाती है। क्लाइमेट जब उस बुद्ध की मूर्ति के पास कुछ सोना देखता है तो वो देखता है कि ये सोना तो फिर गोल्ड है। तब वो थंगलन से कहता है कि मुझे ये सोना किसी भी हालत में चाहिए। सोना मिलने की खुशी में ये रात को जश्न मनाने लगते हैं और तभी आसमान से विलियम के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे वो तुरंत वहीं पर मारा जाता है। क्लाइमेट इससे काफी दुखी होता है और वो अपने बेटे को दफनाता है और सुबह होने पर कहता है कि हमें सोना ढूंढने के लिए निकलना होगा। इसके लिए क्लाइमेट को और लोगों की जरूरत होती है। वो थंगलन को अपने कपड़े देता है और कहता है कि जाओ और अपने गांव से और लोगों को लेकर आओ। थंगलन अपने गांव में जाता है और वहां पर उनको कुछ सोना दिखाता है। वो सोना देखकर गांव वाले भी और सोना ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद थंगलन से एक आदमी कहता है कि आपके यहां से जाने के बाद क्लाइमेट के आदमी उन्हें नागा कबीले के लोगों पर गोली चलाई। तबाव का बेटा उनसे लड़ने के लिए जाता है। एनबोस टाइम खुद के कंट्रोल में भी नहीं होता। न जाने अशोका को क्या हो गया था और अब सैनिकों ने उसे बांध के रखा है। ये सब सुनने के बाद थंगलन सीधा क्लाइमेट के पास में जाता है। क्लाइमेट कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा बेटा है, और वो तुरंत अशोका को छोड़ देता है। नागा कबीले के लोगों होते हैं, वो नागों को पूछते हैं और इस पहाड़ की रक्षा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट के साथ में जो जमींदार आया था वो क्लाइमेट की बातों को गलत ट्रांसलेट कर रहा था ताकि ये किसी तरह क्लाइमेट के गलाब बढ़क सके। थंगलन कहता है कि मुझे क्लाइमेट ने वादा किया है
कि वो सोना देगा और हमारी जमीन भी वापस करवाएगा, जिससे हम अपने आगे की लाइफ बड़ी अच्छी तरीके से काट सकते हैं। अब सारे गांव वाले जाते हैं और इस पहाल के नीचे सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। रात होने पर तंगलंग के बेटे को दौरा पड़ता है और वो आरती की तरह भी बात कर रहा होता है। कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तंगलंग फिर भी वहीं पर डटा रहता है, क्योंकि उसे अपना जीवन सुधारने के लिए ऐसा करना होगा। अब गांव वालों को 2-3 दिन खुदाई करने के बाद भी वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। क्लाइमेट सोचता है कि मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो गांव वालों से कहता है कि जब तक सोना नहीं मिलता मैं तुम सबको मजदूरी नहीं दे सकता। यह लोग मान जाते हैं और सोने की लालच में फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसे ही सोना नहीं मिलेगा, तुम्हारे परदादा के समय पर आरती के पेट चीरने के बाद जो खून निकला था उसे ही सोना बना था, और तुमको भी सोना पाने के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन थंगलंग किसी की जान लेकर सोना नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि मुझे बस थोड़ आसा सोना चाहिए जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। अब गांव वाले बिना खाइफी एक काम करने लगते हैं। थंगलंग ये देखकर एक भैंस का शिकार करता है और सभी गांव वालों का पेट भरता है और सबको सोने के लिए मोटिवेट करता है कि जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। इसके लिए वो रात को ही इस फाल को जलाने लगते हैं। तब ये आरती अपने लोगों के साथ में आती है और अब वार्निंग देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। थंगलंग को एक सुरंग दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है और वहां पे सोने की अलग अलग माइंस होती है जो अलग अलग राजाओं के टाइम पर खोदी गई थी। गांव वाले अपने बैग में सोना भरने लगते हैं। जैसे ही सोना लेकर गांव वाले बाहर निकलते हैं तो क्लाइमेट के लोग उन्हें मार गिराते हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरा सोना है। तंगलंग कहता है कि ये सब माया जाल है, ये सोना नहीं है जो कि आरती नहीं भिचाया हुआ है। तभी वहां पर आरती आती है और अपने माया जाल में इन सभी लोगों को फंसाने लगती है। इनको अपने पास के तरह तरह के विजुल्स आने लगते हैं और उसी विजुल में तंगलंग को दिखता है कि वो भी सोने की रक्षा करने वाला है और वो आरती के आदमियों में से ही एक है। पहले नाग कबीले में आरन और आरती दोनों पति पत्नी हुआ करते थे और इस सब की वो रक्षा करते थे। और थंगलंग तुम हमारे ही वारिस हो, तुम्हारे दादा परदादा और उसके भी परदादा हमारे ही कबीले के थे। जैसे उसे होश आता है तो वो देखता है कि आरती के पेट में क्लाइमेट सरिया घुसा देता है, लेकिन फिर भी आरती क्लाइमेट को खत्म कर देती है। आरती मरने ही वाली होती है। तब थंगलंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस अपने गांववालों के लिए थोड़ा सा सोना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सके, हमारे ही यहीं पर हो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आ योगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बताओ कि आपको यह मुझे कैसी ली। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाई।